गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्नर्स गली में। आज हम पिछले क्लास का ही कंटिन्यूएशन करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। हमने सेट वन में कवर किया था वर्ड और या तो लेटर कोडिंग जो किया था। सेकंड हमारा सेट में होगा नंबर कोडिंग। फिर आने वाले नेक्स्ट थर्ड सेट में हम करेंगे मिक्स्ड कोडिंग। चलिए, नंबर कोडिंग भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिमिलर टू ये आपके लेटर कोडिंग से ही है, पर इसमें लेटर कुछ नंबर से लिंक्ड होते हैं किस तरीके से। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। कल हमारा लेटर कोडिंग कंप्लीट हो गया था, जिसने नहीं देखा प्लीज पिछला वीडियो देखिए। आज हम नंबर कोडिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्स्ड कोडिंग को कवर करेंगे। ओके, चलिए तो नंबर कोडिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। नंबर कोडिंग शुरू करने से पहले ये चीज, एक बेसिक रूल मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। जिसने मेरा अल्फाबेटिकल सीरीज का वीडियो नहीं देखा हो, पहले वो वीडियो भी देख ले, तो आपको स्टार्टिंग से मेरे लाइन से आप वीडियो देखोगे तो आपको इजी पड़ेगा। चलिए फिर भी एक बेसिक चीज आपको बता देता हूँ। जैसे ये ए टू जेड, ए बी सी डी यहाँ लिखा है ना, एम तक आया, फिर एन से ए से लेके पूरा आपका एम तक आया, फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब नॉर्मल अल्फाबेट लिखा है मैंने, बस हाफ इधर किया हाफ इधर, उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। चलिए, ए का वैल्यू 1 होता है, बी का वैल्यू 2 होता है, सी का वैल्यू 3 होता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, मतलब अपने पोजीशन के हिसाब से। टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं। तो जेड लास्ट अल्फाबेट है, तो इसका वैल्यू 26। और हमेशा याद रखिए, ए के ऑपोजिट में हमेशा जेड होगा, बी के ऑपोजिट में हमेशा वाई होगा। ऑपोजिट तभी बोलेंगे जब दोनों का सम 27 होगा। ओके, जैसे ए का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू 26 है, तो उसका सम क्या हो गया? 26 प्लस 1 27। सिमिलरली बी का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 25 है, 25 प्लस 2 27। आप अगर सारे को ऐड करोगे तो वैल्यू 27 ही आएगा। ओके, सबका 27 ही आएगा। तो ये सब नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो समझ गए ये चीज, ये बेसिक चीज आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे आगे। ओके, कोई भी आपसे पूछेगा ए का ऑपोजिट क्या है, Z, B का ऑपोजिट Y, ऐसे। और ये शॉर्टकट फॉर्मूला तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, मेरे पिछले लेक्चर्स देखिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। इजोटी एक शॉर्टकट ट्रिक है आपको ये नंबर्स याद करने के लिए। जैसे C का 3 है, W का 23 है। आप इतना बड़ा एग्जाम में चार्ट बनाओगे, अगर एग्जाम से पहले बना लो तो चलो अलग बात है, पर अगर पकड़ लिया था आपसे पेपर भी ले लेते हैं वापस। पर इसको, ये नंबर याद तो आपको रहेगा नहीं, बहुत याद रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहेगा तो उसके लिए ये शॉर्टकट ट्रिक है EJOTY। इतना आपको याद रखना है EJOTY। इसमें सबका वैल्यू, इसका वैल्यू है 5, इसका वैल्यू है 10, इसका वैल्यू है 15, इसका वैल्यू है 20, इसका वैल्यू 25। चेक कर लो कि 5 में आ रहा है कि नहीं। यस, 5 में आ रहा है। देखो J का वैल्यू 10 में आ रहा है। ओके, O का वैल्यू 15 में आ रहा है, 15 में आ रहा है। T का वैल्यू 20 में आ रहा है, देखो, और Y का वैल्यू 25 में आ रहा है। ओके, तो चलिए मुझे समझ में आ गया। अब आपको अगर बोल दिया G का वैल्यू क्या होगा, आप कैसे निकालोगे? तो जी मैं पहले चेक करूंगा, जी किसके आसपास है? ई के आसपास है। मुझे ई का वैल्यू पता है 5 है, तो ई के बाद एफ जी, यानी ई से मैं जब 2 ऐड कर दूंगा तो जी आ जाएगा, यानी 5 से 2 तो जी का वैल्यू 7 आ जाएगा। समझे? जी का वैल्यू निकालना है, जी किसके आसपास है? ई के पास। ई से कितना दूर है? 2। ई है एफ जी, ई का वैल्यू 5 है, तो उससे मैं 2 ऐड कर दूंगा तो 7 आ जाएगा, तो जी का वैल्यू 7। वैसे एस का वैल्यू निकालो, तो S का वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि इजोटी में ये S किसके सामने है। तो देखिए, S T से जस्ट पहले आता है, T का वैल्यू 20 है, तो S का वैल्यू 19 होगा, तो S का वैल्यू 19। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है आपको याद करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो नंबर कोडिंग है, ये लेटर कोडिंग से ही का एक्सटेंशन है एक तरीके से। जैसे इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक वर्ड दे दिया है डीओजी, इसका वैल्यू इक्वल टू 26 दिया है। ये क्वेश्चन है। ओके, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, डीओजी का वैल्यू 26 है, एसएडी का वैल्यू 24 है, तो आरयूएन का क्या होगा? 28 होगा, 35 होगा, 48 होगा, 53 होगा। तो इससे पहले, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप सबका इंडिविजुअल नंबर असाइन कर दो। चलिए, डी का वैल्यू क्या होता है? अगर इजोटी प्रोसेस से आप करोगे तो E से पहले आता है, यानी D का वैल्यू 4, EJOTY O, EJO, तो ये 15 आता है। G का वैल्यू उसी तरह से आप निकालो, बताओ क्या होगा G? मैंने पिछला ही जस्ट स्लाइड में निकाला था,
7। ओके, तो आप पहले देखो कि ये सारे वैल्यू आ गए। अब पहला रूल क्या बनता है, क्या इन नंबर को मैं कैसे अरेंज करूं कि 20, 26 आ जाए। नॉर्मली पहले मैं ऐड करके देखता हूं, 15 प्लस 17 कितना होता है, 22 और प्लस 4 26। यस, इसका सम 26 आ रहा है। ये तीनों को ऐड कर दूंगा जब मैं, तो 26 ही आ जा रहा है। तो चलो ये एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया। मैं अब सिमिलरली इसमें भी वही चेक करूंगा, क्या इसका जो असाइंड नंबर है जब सम करूंगा 24 आएगा। चलिए चेक करते हैं, एस का वैल्यू क्या है। T से पहले आता, T का वैल्यू 20, तो S का वैल्यू 19। चेक कर लो पिछला वीडियो में, देखो T का वैल्यू 20 है, उससे पहले S का वैल्यू है 19। यही चीज किया मैंने, K का वैल्यू 1, D का वैल्यू 4। अब ये चारों, ये तीनों को ऐड करके देखो क्या 24 आता है। 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 4 24। यस, सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड, तो ऑटोमेटिकली मैं इन तीनों का जब नंबर डाल दूंगा तब उसका सम करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए, आर किसके आसपास आता है, टी के आसपास आता है। तो टी का वैल्यू 20 है, तो आर का वैल्यू हो गया 18, आर एस टी होता है ना। चलिए सिमिलरली यू का वैल्यू होगा 21, टी के बाद आता है, एन का वैल्यू आएगा 14। मैं तीनों को अब ऐड करके देखता हूं, 20, 10, 30, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53। इसका आंसर हो गया 53, यही होगा मेरा आंसर 53। ओके, देखिए ये जो नंबर कोडिंग है इसके 8-10 क्वेश्चन पैटर्न्स में कराऊंगा, एग्जाम में इन्हीं पैटर्न से आते हैं, और कुछ आएगा तो उसके लिए आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, पर मैं मेजर 8-10 पैटर्न आपको करा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप अप्रोच कर पाए किसी भी क्वेश्चन को कि किस तरह से मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं। हमेशा इनका रेस्पेक्टिव न्यूमेरिक नंबर आपको लिख देना, फिर उससे आप डिराइव करो आगे का क्या प्रोसेस होगा। चलिए ये एक टाइप का क्वेश्चन हमने किया, टाइप वन। अब हम नेक्स्ट टाइप में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन टू देखते हैं, ये टाइप टू है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मैं आपको ऐसे अलग अलग 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके मोर ऑर लेस एग्जाम में इन्हीं तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। आप बस प्रोसेस समझिए, फिर आगे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, बेल्ट का वैल्यू है 117, TRAIN ट्रेन का वैल्यू है 186, तो आपको रोज का वैल्यू निकालना है। ओके, तो सबसे पहले कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप रेस्पेक्टिव उसका न्यूमरिक नंबर लिख लो। बी का वैल्यू क्या है, 2। ओके, फिर ई का वैल्यू क्या है, ये जो टी में 5 होता है। एल का वैल्यू क्या है, जे से 2 बाद है, जे का वैल्यू 10 है तो एल का वैल्यू 12 होगा। ओके, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है 20, ई जे ओ टी। ओके, अब मैं देखूंगा इस इन नंबर्स को यूज करके क्या मैं 117 ला पा रहा हूं। सबसे पहला आपका, आप क्या करोगे, सबको ऐड करके देखो, पहला प्रोसेस ऐड, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, पर ये बेसिक प्रोसेस है, इतना डिफिकल्ट आपसे पूछा नहीं जाता। स्टार्टिंग में आप पहले सबको ऐड करके देखो। ओके, ऐड करने से क्या वैल्यू आ रहा है, 20 प्लस 10 30, 35, 36, 37 और 239। चलिए सम आया 39। अब इस 39 से देखो कि क्या मैं इस 39 से ये नंबर ला पा रहा हूं कुछ करने से। हाँ देखो, नहीं नहीं यस, हाँ 39 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 9 3 27 3 3 9 10 11 117 आ रहा है, तो इनटू 3 करने से मेरा ये वैल्यू आ रहा है। अब मैं सेकंड वर्ड जो दिया है इसको भी इसी प्रोसेस से चेक करूंगा क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तब मेरा आंसर भी सेम प्रोसेस से इंप्लीमेंट कर दूंगा। अगर ये नहीं कर रहा सेकंड नंबर वेरी मैच इससे, तो मैं कुछ अलग प्रोसेस लगाऊंगा, अलग पैरामीटर से चेक करूंगा। ओके, चलिए मैं अब चेक करता हूं सेकंड को। टी का वैल्यू 20, आर टी से 2 पहले आता 18, ए का वैल्यू 1, आई का वैल्यू जे से पहले आता 9, एन का वैल्यू 40। चलिए ये सब आपको मोर अट्टा याद होना चाहिए, इसको कम से कम याद करो, आपको बहुत टाइम बचेगा। ओके, चलो ये सबको जब ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10, 40, 49, 150, 58 प्लस 4, 62। अब 62 इंटू 3 करने से क्या 186 आ रहा है, चेक करते हैं। 62 इंटू 3, 3 2 6, चलिए 186 आ रहा है। तो मेरा ये दोनों पैरामीटर इसी रूल से सेटिस्फाई कर गए कि उनका नंबर इंटू 3।
तो आप तुरंत आर का वैल्यू असाइन कर दो। आर का वैल्यू क्या होता बताओ, अभी ऊपर निकाला था यहाँ ना 18, ओ का वैल्यू 15, एस टी से पहले आता है तो 19, ई का वैल्यू 5। तुरंत ये सब नंबर आपको मुरट याद होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम से पहले अगर एग्जामिनर देख नहीं रहा तो आप पीछे अगर लिख लेते हो लेकिन पकड़ लेगा तो आपसे वो भी ले लेगा, उससे अच्छा आप याद कर लो, सबसे बेस्ट तरीका याद कर लो, गलत काम करना ही नहीं। ओके चलो सम करके देखो, 10, 20, 30 हो गया और ये 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57। चलिए सम मेरा आ गया 57। तो 57 इंटू 3 क्या हो गया, 7, 3, 21, 5, 3, 15, 16, 17, 171 मेरा आंसर है। चलिए दो तो ऑप्शन में 171 दे दिया, चलिए 171 ही आपका आंसर है। ओके चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड टाइप, टाइप टू हमने कर लिया, ये टाइप थ्री। सेम प्रोसेस है, आपको पहला स्टेप क्या करना है, सबका नंबर अप्लाई कर देना है। एल का वैल्यू क्या होगा, जल्दी दिमाग लगाओ, इजोटी प्रोसेस से इसके आसपास होता है जे के आसपास, जे का वैल्यू 10 है तो एल उससे ज्यादा है तो प्लस 2, ए का वैल्यू 1 है, पी का वैल्यू बताओ 16 है, क्यों, ओ के बाद जस्ट पी आता है, ओ का वैल्यू 15 है तो इसका वैल्यू 16 हो गया। जल्दी से अब सम करो, पहले क्या आ रहा है, 10, 20, 26, 27, 28, 29। मैं 29 से क्या 57 ला पा रहा हूं, चेक करता हूं, 29 इंटू 3 जा 9, 27, 87 ज्यादा हो रहा है, 29 2 जा करो, 9 2 जा 18, 58, चलिए 57 के ये आसपास जा रहा है, तो अगर मैं 29 इंटू 2 58 करूंगा तो 58 आ जाएगा, फिर माइनस 1 करूंगा तो 57 आ रहा है। ये मुझे एक रैंडमली जब मैंने सॉल्व किया तब मुझे ये एक फॉर्मूला तरफ फॉर्मूला की ओर पता चला कि चलिए ऐसा किया, इंटू 2 माइनस 1। अब मैं इसको भी चेक करूंगा क्या ये इस पैरामीटर से मैच हो रहा है कि नहीं, डी का वैल्यू क्या है 4, ओ का वैल्यू क्या है 15, जी का वैल्यू क्या है 7, निकाला था ना पिछले बार हमने, चलिए अब ऐड कर दो 15 और 4 19, 19 प्लस 7 26, क्या अब 26 इंटू 2 माइनस 1 करूंगा क्या 51 आ रहा है, तो चेक कर लो 26 2 जा क्या होता है 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 52, 52 माइनस 1 यस 52 माइनस 1 51, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इंटू 2 माइनस 1 इनका सम से, तो इमीडिएटली टी का वैल्यू बताओ, ई जे ओ टी 20, ई जे ओ 15, एम का वैल्यू बताओ 13, सबको ऐड कर दो, ओके 20, 10, 30, 40, 45, 48 इंटू 2 माइनस 1, तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, 48 इंटू 2 96, 96 माइनस 1 95 मेरा आंसर आ जाएगा। ओके ऑप्शन 95 है, यस 95 है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये हमने टाइप 3 क्वेश्चन कर लिया। ओके पहला फिर से देख लो, पहला टाइप में था डायरेक्ट वैल्यू असाइन करके ऐड हो गया, सेकंड वैल्यू ऐड करके किसी का मल्टीप्लिकेशन हुआ, सारे का वैल्यू ऐड करके हमने मल्टीप्लाई किया एक पर्टिकुलर नंबर से, फिर मैंने सारे वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई किया, फिर उससे माइनस मैंने फिर 1 किया, तो ये मुझे क्वेश्चन देख के दिमाग लगाना है, इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना है और आपको वो नंबर लाना है कुछ एक प्रोसेस दिमाग यूज करके, तो ये कुछ कुछ ट्रिक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है h इक्वल टू 8, so इक्वल टू 17, gun इक्वल टू 14, lost इक्वल टू क्या, ऑप्शन दिया 14.5, 15.5, 16.5, 17.5। ओके चलिए देखिए, पहला नंबर मुझे साफ दिख रहा है h का वैल्यू 8 ही होता है ना, ई जो टी में ई जे ओ टी वाई ई, देखिए एच क्या है, एच आई जे, जे का वैल्यू 10 है तो ये 10, ये 9, ये 8 है, एच का वैल्यू 8 ही हुआ ना, तो एच का वैल्यू इसमें 8 ही शो कर रहा है, तो हो सकता है एक रेस्पेक्टिव नंबर ही होंगे। एस का वैल्यू निकालो, एस टी से जस्ट पहले आता है, टी का वैल्यू क्या है 20, तो एस का वैल्यू 19 होगा, और ओ का वैल्यू 15 होता है तो ओ का वैल्यू 15 होगा। चलिए ये दोनों को यूज करके मैं 17 कैसे ला सकता हूं, देखिए 19 और 15 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2 आएगा,
दोनों को ऐड कर दूंगा तो 19 और 15 को 14, 34 से आपको 17 कैसे लाना है बताओ, जब 34 बाय 2 मैं कर दूंगा तो 17 आया कि नहीं। चलिए ये मुझे समझ में आ गया कि मैंने जब इसको हाफ कर दिया 17 आया। तो सिमिलरली मुझे इससे क्या एक ट्रिक पता चल गई, देखिए यहाँ 8 आया है तो 8 बाई 1 किया तो 8 आया है। सिमिलरली अगर यहाँ जितना सम आएगा बाय 3 कर दूंगा तो बाय इक्वल टू अगर 14 आया तो मेरा आंसर वेरीफाई कर जाएगा। चलिए देखते हैं जी का वैल्यू क्या है बताइए जल्दी से दिमाग लगाइए। 7 टी के बाद यू आता है तो यू का वैल्यू क्या हो गया बताइए 21। एन का वैल्यू क्या हो गया 14। सबको ऐड कर दो 20, 10, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 42। अच्छा अब आपको ट्रिक समझ में आ गया। देखिए यहाँ एक नंबर है इसलिए 8 से 1 डिवाइड किया, यहाँ दो नंबर है इसलिए इनका सम से बाय 2 डिवाइड किया। ओके यहाँ तीन नंबर है 1, 2, 3 इसलिए इनका सम से 3 डिवाइड किया। तो अब इनका यहाँ चार नंबर है तो इनका सम से 4 डिवाइड करूंगा। देखिए अगर आंसर आता है वेरीफाई तब हम चेक करते हैं। चलिए एल का वैल्यू बताइए जल्दी, सोचिए किसके आसपास है एल, जे के पास आसपास है ना, जे का 10 है तो एल का वैल्यू और दो, ई जे इसका 15, टी का वैल्यू क्या पता है आपको 20, 20 से पहले 19। इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आया देखिए 12, 15, 19, 20 चलिए 9, 10, 11, 16 2, 3, 4, 5, 6, 66 आया ना। चलिए अब 66 को 4 से मैं जब डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ चार नंबर है 1, 2, 3, 4 है ना, तो 2, 2 जा 4, 2, 33, 2, 1 जा 2, 6 जा 12.5, 16.5 मेरा आंसर होगा। समझ गए ये मेरा टाइप 4 क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ एक नंबर था, यहाँ दो नंबर, यहाँ तीन नंबर है, चार नंबर, आपको सम से इसका जो सम आया 8, 1 से डिवाइड किया, ये दोनों का सम को दो नंबर से बाय 2 से डिवाइड किया, ये सम को 3 से डिवाइड किया, ये सम को 4 से डिवाइड किया। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, अचानक एग्जाम में बैठोगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कुछ बुक उठाओ रीजनिंग की और सॉल्व करना शुरू कर दो। ओके इजी क्वेश्चन है, मजा आएंगे आपको बनाने में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये टाइप 5 क्वेश्चन है ये। ओके चलिए इसमें भी पहला स्टेप हमेशा मैं सबका वैल्यू असाइन कर दूंगा, बी का वैल्यू 2 होता है, ए का वैल्यू 1 होता है, ई जे ओ टी, टी का वैल्यू 20 होता है। मैं इनका अब सम निकाल देता हूं 20 प्लस 2 1 22 23 से कुछ करके मैं 58 लाऊंगा। चलिए 23 2 करूंगा तो 3 2 46 23 × 3 3 3 9 69 ये दोनों ही 58 से बहुत ज्यादा दूर है, आसपास नहीं है। तो इसमें हम आगे कुछ एक अलग ट्रिक मैं आपको बताता हूं। अब हम इनके ऑपोजिट पेयर के हिसाब से नंबर निकालेंगे। पहला मैंने शुरू करते ही आपको ऑपोजिट पेयर वाला कॉन्सेप्ट बताया था। ये जैसे ए है, ए का ऑपोजिट जेड आता है, बी का ऑपोजिट वाई आता है, तो ए का वैल्यू 1 है तो जेड का वैल्यू 26 होगा, ये इनके ऑपोजिट नंबर्स है। ओके 3 का ऑपोजिट नंबर 24, क्योंकि सम 27 आना चाहिए ना। चलिए अब मैं ऑपोजिट नंबर्स को अपने क्वेश्चन में डाल के देखता हूं। बी का वैल्यू अगर 2 है तो बी का ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट नंबर तो सम 27 आना चाहिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 25। ओके जो कि वाई का नंबर है। ओके एक ऑपोजिट जो जेड का नंबर है वो 26, क्योंकि सम तो 27 ही आएगा, और इसका ऑपोजिट 20 है तो ये 7, 7 किसका है, ई एफ जी, जी का वैल्यू है। ओके तो मुझे इतना पता चल गया। अब मैं ये ऑपोजिट नंबर से कैलकुलेट करके देखूंगा कि क्या ये 58 आ रहा है, तो 25 प्लस 26 प्लस 7 यस 18, 58। देखिए जब मैं ऑपोजिट नंबर को 25 प्लस 26 प्लस 27 कर रहा हूं तो 58 आ रहा है। चलिए मुझे एक ट्रिक पता चल गया। अब मैं वेरीफाई करूंगा क्या इस प्रोसेस से इसका भी आंसर आ रहा है,
अगर आ रहा है तभी मेरे मैं इसका कंक्लूजन निकाल पाऊंगा कि चलिए यही प्रोसेस लगा। चलिए अब इस ये एक प्रोसेस पर चलिए, अब मैं कार को चेक करूंगा सेम प्रोसेस से। कार का नेचुरल वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 3, सी ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू बताइए, टी से जस्ट पहले आता है 18। चलिए इसका ऑपोजिट क्या हो गया, 3 का ऑपोजिट टोटल 27 आता है ना, तो 24 होगा। 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 26 होगा। 18 सब कितना ऐड करूंगा तो 27 आ जाएगा, बताइए 9। तो 24 किसका वैल्यू है, 24 एक्स का वैल्यू है, 26 जेड का वैल्यू है और 9 आई का वैल्यू है। चलिए अब मैं ये तीनों को ऐड करके देखता हूं, 24, 26 एंड 9, ओके 6, 4, 10 और 19, 2, 2, 4, 5, चलिए 59 आ गया। तो मुझे क्या पता चल गया कि मैं जब इन नंबर का ऑपोजिट पेयर निकालूंगा उसका जो न्यूमेरिक सम होगा वही मेरा आंसर होगा। तो H के ऑपोजिट क्या होगा, H का वैल्यू आप बताओ क्या होगा, H 8 होगा, A 1 होगा, T 20 होगा। ऑपोजिट सम इसका कितना करना है आपको 27 लाने के लिए, 19, यहां पे 26 और 20 से यहां 27, समझ रहे हो ना। अब ये किसका किसका वैल्यू है बताओ, 19 किसका वैल्यू है, T से जस्ट पहले आता है तो ये S का वैल्यू है, लास्ट 26 आपको पता है ये Z का वैल्यू है और 7 का वैल्यू 5 से 2 ऐड करो तो E, F, G, G का वैल्यू है। अब मैं ये तीनों को ऐड कर दूंगा, 19, 26 एंड 7, 9, 15, 22, 2, 2, 4, 5, 52। मेरा ऑप्शन में मैं चेक करूंगा क्या 52 आ रहा मेरे ऑप्शन में, यस देखिए हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है 52, तो यही होगा हमारा आंसर। समझ गए आपने क्या किया इसमें, आपने हर नंबर के हिसाब से बैट दिया है तो बैट का ऑपोजिट जो पेयर है वो आपने निकाल दिया। ऑपोजिट पेयर कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था सबका सम 27 आता है, बी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू 20 है, तो इसका ऑपोजिट में क्या नंबर आना चाहिए, ये हो गया 25, ये हो गया 26, ये हो गया 7। 25 किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, 26 z का वैल्यू है, g का वैल्यू, अगर मैं इनका सम निकाल दिया तो मेरा आंसर आ गया। तो इसमें सम ऑफ ऑपोजिट पेयर वाला ट्रिक लगा इस क्वेश्चन में, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप 6 में जाते हैं, ये टाइप 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से है पर आपको स्टार्टिंग से मैं बेसिक प्रोसेस से बताऊंगा। चलिए सबसे पहले आपको दिया हुआ NO इक्वल टू 54, आपको पहले उसका न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर देना है, N का वैल्यू हो गया 14, O का वैल्यू हो गया 15। नंबर को चेक करो, इन नंबर से क्या मैं 54 ला सकता हूँ, ये हो गया 29 इंटू 2 18, 58 माइनस 4, चलो ये कुछ लग रहा है इससे हो सकता है। सिमिलरली मैं A का वैल्यू डाल दूंगा 1, ए बी सी 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 इंटू 2 18, चलिए 18 माइनस 4 हो गया 14, तो कहाँ 81 क्या कहाँ 14, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब मैं चलो प्लस से मेरा आंसर नहीं निकला, ओके। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड प्रोसेस मैंने बताया था ऑपोजिट पेयर निकालेंगे, ऑपोजिट पेयर निकालने का क्या तरीका है, सम क्या होना चाहिए 27, तो ये हो गया 13, इसका ये दोनों का ऐड कर दूंगा 27 आया ना, और इसमें 12, 13 किसका वैल्यू है बताओ जल्दी, 13 M का वैल्यू है और 12 किसका वैल्यू है, L का वैल्यू है। तो अब देखो अब 13 और 12 से क्या मैं 54 ला सकता हूँ, 13 और 12 जब ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 25, तो 25 से 54 इंटू 2 प्लस 4 एक तरीका हो सकता है। अब मैं इसका ऑपोजिट निकालता हूँ, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 26, इसका ऑपोजिट हो जाएगा 24, इसका ऑपोजिट हो जाएगा 22, क्योंकि दोनों का सम करने से मेरा 27 आना चाहिए, और 26 किसका वैल्यू है, Z का, 24 किसका वैल्यू है बताओ जल्दी, X का वैल्यू है, एंड 22 किसका वैल्यू है, V का वैल्यू है। अब देखो इन तीनों को यूज करके मैं 81 ला सकता हूँ क्या, 26, 24, 22,
सिक्स फोर टेन इलेवन ट्वेल्व टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। देखिए अब मैं 72 इंटू टू प्लस फोर करूंगा तो ये एक थ्री जीट नंबर हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलो अब मैंने पहले सर दो क्वेश्चन किए थे इन नंबर्स को यूज करके। अब पूछोगे सर अब तो सर तो किसी से नहीं बन रहा, आप क्या करें? तो देखिए आपने जो इतने सारे नंबर निकाले हैं ना, ये चारों नंबर यहाँ पे, यहाँ छह नंबर, सॉरी ये छह नंबर, अब आप चेक करोगे क्या इन नंबर को यूज करके मैं इन्हें ला, ये नंबर ला सकता हूँ। चलिए क्या क्या नंबर है आपका, 14 13 15 12, ये दोनों को ऐड कर दो तो देखो अपोजिट 17, इसको ऐड कर दो 17, 17 प्लस 17 54, यस ये कंडीशन मीट कर रहा है। अब इसको चेक करो 26 प्लस 1 27, 24 प्लस 3 27, 22 प्लस 5 27, तो तीन बार 27 आ जाएगा, तो यस 81 आ जा रहा है। सिमिलरली इसको निकालने के लिए आप सब नंबर मत लिखना, क्योंकि आपको पता है ऑपोजिट जब मैं ऐड करूंगा तो 27 ही आएगा दोनों सबका सम, इसमें चार बार 27 आप ऐड कर दोगे। और 27 इंटू 4 क्या होता है, 108, तो आपका आंसर 108 होगा। इसमें आप फिर बैठ के निकालना मत, आप देखो इसमें दोनों 27 27 आ रहा है तो दो बार 27 और 27 आपने ऐड किया, यहां भी देखो 27 27 27 आ रहा है तो आपने तीन बार 27 ऐड किया, यहां भी 27 27 27 27 आएगा, ऑटोमेटिक ऑपोजिट है तो इसलिए 108। ये ट्रिक क्वेश्चन है, आप बैठ के इतना लंबा सॉल्व मत करना, सीधा देखना पहला 27 आ रहा है, सेकंड भी 27 आ रहा है और ये नंबर आ रहा है तो सीधा जितना पांच डिजिट का होगा तो 27 इंटू 5 कर देना, सिक्स डिजिट कोई लेटर दिया होगा तो 27 इंटू 6 कर देना, डायरेक्ट आंसर निकालना है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां क्वेश्चन दिया है बार्क का वैल्यू दिया। चलो देखो B5 A3 R37 K23 तो लॉस्ट का क्या वैल्यू होगा। चलो इसको निकालने के लिए आप हमेशा पहला सबका जो इंडिविजुअल न्यूमेरिक वैल्यू है लिख दो, B का वैल्यू है 2, A का वैल्यू है 1, R, T से दो पहले आता है तो 18, J के बाद K आता है तो 11। देखो अब ये नंबर और ये पर्टिकुलर नंबर से मैं ये सब नंबर ला सकता हूं क्या, चेक करो आप। ओके ये टाइप 7 है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको देखो मैंने हमेशा पहले इसका आपको नंबर निकाला, पहले आप इससे चेक करो कि क्या इससे ये नंबर आ सकता है कि नहीं, अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसका ऑपोजिट आप लिखोगे, ऑपोजिट पेयर, फिर उससे चेक करोगे कि मैं इस नंबर को ला सकता हूं कि नहीं। चलिए पहले आप इस प्रोसेस को देखो वन स्टेप एट अ टाइम। टू से अगर फाइव लाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू टू प्लस वन या तो इंटू थ्री माइनस वन, ये हो गया फोर प्लस वन फाइव या सिक्स माइनस वन फाइव। ओके अब वन से मुझे थ्री लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू थ्री हो सकता है पर मुझे तो इस तरीके से कुछ लाना पड़ेगा तो इंटू टू प्लस वन इंटू फोर माइनस वन, इससे भी ला सकते हैं। चलो ठीक है 18 को देखो, 18 टू जा 36 माइनस वन सॉरी प्लस वन 37, तो यही मेरा प्रोसेस होगा। तो बाकी आप समझ जाओगे कि अब कैसे आ रहा है आपका वैल्यू, टू इंटू टू प्लस फोर प्लस वन जो कि आपका फाइव आया, 1 into 2, 2 plus 1 करने से 3 आया, 18 into 2, 36, plus 1 करने से 37 आया, 11 to 22, 11 into 2, 22, plus 1 करने से 23 आया। तो क्या प्रोसेस लग रहा है आपसे, जो रेस्पेक्टिव नंबर है into 2 plus 1 आ जाएगा नीचे का चारों नंबर। अब चेक कर लो L का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ, L का वैल्यू होता है J के बाद 2 यानी 12, O का वैल्यू बताओ 15, T का वैल्यू क्या है 20, S का वैल्यू 19। चलो अब आप क्या करोगे, 12 into 2 24 plus 1 क्या होता है, 12 into 2 24 plus 1 25, 15 into 2 30 plus 1 31, 19 to the 38 plus 1 39, 20 into
20 इंटू 2 प्लस 1 क्या होता है 40 प्लस 1 41। क्या आपका ऑप्शन में ये आंसर दिया है 25, 31, 39, 41? ये दिया हुआ है, देखो 25, 31, 39, 41। तो यही आंसर है। इसमें आप रेस्पेक्टिव उसका न्यूमेरिक नंबर निकालो और उससे कोशिश करो कि जो नंबर क्वेश्चन में गिवन है उससे क्या वो उस नंबर को मैं अचीव कर पा रहा हूं। अगर पा रहा हूं तो ठीक है, नहीं हो रहा तो मैं फिर उसका ऑपोजिट पेयर नंबर डाल के करूंगा, वो आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए जैसे ये क्वेश्चन में दिया है आपको डस्ट, DUST, डस्ट का वैल्यू आपको असाइन कर दिया है सर। चलो आप उसका रेस्पेक्टिव पहले सबका अपना अपना वैल्यू क्या होता है लिख लो। डी का वैल्यू होता है 4, ओके। यू का वैल्यू क्या होता है बताओ 21, टी के बाद होता ना जस्ट, एस टी से जस्ट पहले होता 19, टी का वैल्यू होता 20। आपको सारे वैल्यू पता चल गए। देखो अब इससे डिराइव करके आपको ये नंबर निकालना है, तो कैसे निकाल सकता हूं देखो, यानी 4, 5, 20 + 3 एक तरीका है, यानी 4, 6, 24 - 1 भी एक तरीका है। लेकिन मैं जब नेक्स्ट नंबर को देखता हूं तो बोलेंगे नहीं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है ये बताता हूं। चलिए इस केस में आप क्या करोगे, इसका आप ऑपोजिट नंबर आप निकालोगे, ओके। सॉरी इसका ये लिख लो 4, 21, 19 और 20, ओके। नहीं ओके, इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट, देखो इसमें आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताता हूं। इसमें क्या है 4 है और यहां देखो 23 है, ये दोनों को जब आप ऐड कर दोगे ना तो देखो 27 आ रहा है। सिमिलरली यहां भी वही चीज है, 21 से जब मैं 6 ऐड कर दूंगा तो 27 आ जाएगा, 19 से जब 8 ऐड कर दूंगा 27 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन देख के पकड़ना है ये सब चीज का कोई डायरेक्ट, ये बहुत अलग अलग तरीके से इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन में आपको अगर दिख गया कि हाँ सर ऐसे ही है तो आप तो तुरंत एक मिनट में सॉल्व कर लोगे, नहीं तो आपको इसी में सॉल्व करते जाओगे तो 2-3 मिनट लगेगा। तो इसीलिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। 27 मैंने अभी देखा, मुझे चलो 27 मिल रहा है, तब मैं समझ गया कि चलो ये रेस्पेक्टिव नंबर से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो अब n का वैल्यू बताओ जल्दी से क्या होता है, नोज का वैल्यू मुझे निकालना है। n का वैल्यू क्या होता है 14, o का वैल्यू क्या होता है 15, s का वैल्यू क्या होता है 19, इसका वैल्यू क्या होता है 5। तो इसका ऑपोजिट लाने के लिए आपको 27 लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा 13, 15 का 12, 19 और को 27 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 8, 5 और ये 22। तो 13, 12, 8, 22 यही मेरा आंसर होगा, जैसा पिछला क्वेश्चन हमने किया था 13, 12। ये हमारा ऑप्शन में है क्या, सॉरी देखिए मैंने फिर गलत किया, 15 और 12 ऐड करने से कहां 27 होता है। सही है, यहां गलत है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए 12, तो 13, 12 आंसर आना चाहिए, 13, 12, 8, 22 क्या ऑप्शन में है। ये ऑप्शन में हमने कुछ गलत किया है, यहाँ 14 नहीं होगा 22 होगा, ये ऑप्शन गलत है, वेरीफाई कर लीजिए। सॉरी कि और तो कहीं दिख नहीं रहा 13, 12, 8, 22 यही है आंसर, ये ऑप्शन हमारा गलत था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप अलग अलग टाइप्स को देखो, ये टाइप 8 हो गया, अब हम टाइप 9 देखेंगे। चलिए आप 9th टाइप का पैटर्न देखते हैं, ये सब इसके कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, इसमें आपको खुद अपना ब्रेन यूज करना है और निकालना है कि कैसे नंबर आ रहा है कुछ भी। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे इस एग्जाम में, आपको आप इसलिए बोल रहे हो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, कम से कम 100-200 क्वेश्चन करो या तो 50-100 क्वेश्चन कर लो, ताकि आपको पता चल जाए अलग अलग कैसे कैसे पैटर्न से क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, आर का वैल्यू क्या है बताओ 18 है, पहले हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू लिख दो, ओ का वैल्यू है 15, एस टी से पहले आता है 19, ई का वैल्यू 5। देखो इन नंबर्स को यूज करके क्या मेरा ये नंबर कैसे आ रहा है, चलिए 18/2 कर रहे तो 9 आ रहा है, 15/2 जब कर रहा हूं तो नहीं 7.5 आ रहा, तो ये पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं।
चलो अब दूसरा पैरामीटर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है आपका, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए जैसे इसमें 18 है ना, तो देखो जब आप 1+8 करोगे तो देखो 9 आ रहा है, या 15 है तो 1+5 करोगे तो 6 आ रहा है, देख रहे हो 1+9 या 19 है, 1+9 करोगे तो 10 आ रहा है, और ये 5 जैसे का तैसे उतर गया। सिमिलरली आपको डक का निकालना है, डी का वैल्यू क्या है 4, यू का वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू हो गया 21, सी का वैल्यू है 3, के का वैल्यू क्या है, जे के बाद आता है तुरंत 11। अब आप क्या करोगे, 4 तो जैसा का तैसा 04 उतर जाएगा, 21 2+1 हो जाएगा जो कि 3 हो जाएगा, वेरस 3 तो जैसे का जैसे 03 हो जाएगा, और 1+1 ये 02 हो जाएगा, तो आंसर आपका ये आ जाएगा, देखो 04 03 03 02, देखो ऑप्शन में आपका ये होगा। ये ऐसे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस है, आपको पूरा रेगुलर लेवल में सब क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, नहीं तो एग्जाम में आप फंसोगे जरूर, 100% फंसोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका वैल्यू है ट्रक का, आपको दिया वैल्यू इतना, तो आप ट्रक का निकाल दो क्या है, टी का वैल्यू क्या है 20, आर का वैल्यू है 18, यू का वैल्यू क्या है 21, सी एबीसी 3, जे के बाद के 11 है। अब इससे आपको ये नंबर लाना है, तो डिवाइडेड बाय, चलो 10 कर दिया तो 2 आ गया, इससे डिवाइडेड बाय 6 कर दिया तो 3 आ गया, इससे डिवाइडेड बाय 7 कर दिया तो 3 आ गया, पर इससे चलो ये कुछ इस प्रोसेस से नहीं आ रहा है, और आपको दूसरा प्रोसेस यूज करना है, ट्रिक लगाओ, देखो किस कैसे ला सकता हूं मैं वो नंबर। देखिए 20 से 2, 20+2 22, 18+3 22, 21 25, चलो इस प्रोसेस से भी नहीं आया, ओके देखो यहां आपका वही पिछला क्वेश्चन का ही सेम ट्रिक लगा है, ध्यान से देखो। अब आप बोलोगे सर ये तो कंफ्यूज हो गए, लेकिन वही सेम ट्रिक जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया ना, सम 2+0 जो कि 2, वो ये 2 नहीं है, वो लास्ट तरफ से क्रॉस हो गया, देखिए वेयरएज 1+8 जो कि 9 है वो इधर आना चाहिए, लेकिन देखिए पीछे से आ रहा है, 2+1 3 है वो ये नंबर है, ये 3 इधर है, ये 1+1 2, तो ये ऑपोजिट से जा रहा है। चलिए एक एग्जाम में कोई भी ट्रिक पूछ सकता है आपसे, मिसलेनियस जितना तेज आपका दिमाग चलता है आपको वैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन इस लेवल के आएंगे, थोड़ी डिफिकल्टी जैसे ही बढ़ेगी तो आपको सॉल्व करना है। तो होस्ट का आंसर क्या होगा बताइए, एच का वैल्यू क्या है जल्दी बताइए, 8 है, O का वैल्यू 15 है, T का वैल्यू 20 है, इसका वैल्यू 19 है। अब क्या करोगे, ऐड करोगे तो लास्ट में देखो 8 आएगा, 15 5+1 इधर 6 आएगा, 19 1+9 10 आएगा, 20 2 आएगा, तो 21068 मेरा आंसर होगा। देखिए ये वाला 21068 मेरा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बहुत सारे ट्रिक डिस्कस किए, एग्जाम में तो ऐसे इनफिनाइट ट्रिक्स बन सकते हैं, इसका तो कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, फिर भी मैंने आपको कहा था कि मैं नंबर कोडिंग से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसलिए मैंने 8-10 क्वेश्चन पकड़े करा लिए, बहुत ट्रिक्स बन सकते हैं, मैं ऐसे तो 100 ट्रिक्स बना सकता हूँ क्वेश्चन से, पर उतने करके फायदा नहीं हो, आपका दिमाग उस एग्जाम पीरियड में कितना तेज चलता है ये सब इसी में मैटर करता है। तो चलिए हमारा क्या खत्म हो गया, हमारा लेटर कोडिंग कंप्लीट हो गया, ओके लेटर कोडिंग के बाद हमने नंबर कोडिंग से भी कुछ क्वेश्चन बना लिए, लास्ट हमारा जो बच रहा है वो हमारा मिक्स्ड कोडिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बैंकिंग हो या एसएससी हो, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बहुत सिंपल टॉपिक्स होते हैं, छोटे टॉपिक होते हैं,
इजिली कवर हो जाएगा, लेकिन मार्क स्कोरिंग टॉपिक है, इसलिए ये वीडियो जरूर देखिएगा। और इसको देखने से पहले ये दोनों वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिए, और हो सके तो नंबर सीरीज का मेरा जो वीडियो दिया हुआ है, नंबर सीरीज और पेयर फॉर्मेशन, सॉरी पेयर फॉर्मेशन, ये वीडियोस थोड़ा देख लो तो आपको ज्यादा इजी होगा। नंबर सीरीज नहीं, पेयर फॉर्मेशन। ओके, पेयर फॉर्मेशन का वीडियो आप देख लो तो आपको और इजी पड़ेगा। तो ये दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम मिक्स्ड कोडिंग करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं इसका। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिक्स्ड कोडिंग के। चलिए।